मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं उस वेबल भी हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब मशहूर क्रिकेट प्रोग्राम स्कोर के प्रोड्यूसर भी हैं और इनको बहुत सी अंदर की चीजें पता है, तो आइए इनसे सुनील शेट्टी के अंदर की बात पूछते हैं। ये अंदर की बात है। तो खुर्शीद भाई कैसे हैं? वो याद है ये अंदर की बात है, वो ये अंदर की बात है, वो ऐड याद है? तो जरा आप ये हम लोगों को याद होगा, आज के बच्चों को याद नहीं होगा, आज के बच्चों को नहीं याद। अब तो सुनील शेट्टी नहीं याद होगा यार। अन्ना अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है सर, और ये कमीना कहता है कि ये पंचर है। क्रिकेट पे आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट पे चले गए हम लोग। यार सुनील शेट्टी 2004 में आया था पाकिस्तान। मैं हूं ना कि जब रिलीज होनी थी तो पाकिस्तान आया था और बहुत खुश गया था यहाँ से, कह रहा था कि मुझे लग रहा है मैं अपने ससुराल आया हूँ, इतनी खिदमत हो रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। खैर ये बताओ भाई के अंदर की बात है, बताओ जरा अंदर की बात। ये बाबर आजम के साथ क्या हुआ, मोहम्मद यूसुफ के साथ क्या हुआ, दोनों का बताओ। सर बाबर आजम का जो गुज़िश्ता एक दिन पहले जो उन्होंने किया है, टाइमिंग बड़ी ऑकवर्ड है और ये क्यों किया है ये समझ ना जो है वो आपको हालात समझ रहे होंगे, ये बाबर आजम समझा सकते हैं। एक तो ये कि इंग्लैंड जिस दिन हमारे वतन में पहुंची है मुल्क पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान गई है, वो उसी दिन जो है वो उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर पैगाम दे दिया कि वो जो है रिजाइन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही जो है वो मतलब इखलाकी है बात तो नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज से पहले ये कर रहे हैं, आपको मतलब कप्तानी थोड़ी करनी थी यार, आप इस सीरीज टेस्ट सीरीज की बात कर देते कि मैं वनडे के लिए नहीं जाना चाहता ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया तो आप डर गया ऑस्ट्रेलिया और मैं जाने से कि वहाँ अगर चिपकना पड़ जाए इतना जरील हो गया हूँ, मतलब जरील हो जाऊँगा, ये कोई मतलब नहीं है ना। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ख्याल में मेरा अपनी जाती राय ये है कि बाबर आजम को इस चीज़ के बारे में जो है वो अंदाज़ा हो चुका था, या तो पीसीबी की जानिब से उसको ये इशारा मिल चुका था कि नहीं है। चैंपियंस कप भी हुआ उसको कप्तानी नहीं मिली, शाम मसूद तो कप्तानी नहीं मिली, तो ये पीसीबी का अजीब सा फैसला था कि उन्होंने हारिस को तो दे दी कप्तानी लेकिन उनको कप्तानी नहीं दी। हाँ रिजवान को कप्तानी उन्होंने दी, शाहिन शाहजादी को उन्होंने कप्तानी दी, साउथ शकील को कप्तानी दी, तो इट मीन्स के कोई ना कोई मैसेज तो किसी ना किसी तरीके से गया होगा। दूसरी चीज ये कि जराये के हवाले से जो है वो बाबर आजम के जराये के हवाले से खबरें चल रही थी कि वो पीसीबी के रवैये से खुश नहीं थे, जब से T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो शिकस्त खा के बाहर आए थे ना, उस वक्त से पीसीबी के किसी भी अहदेदारान ने या किसी भी आला अहदे ने चेयरमैन ने उनसे 1-to-1 या ऐसी कोई मुलाकात नहीं की थी, पूछा नहीं था, कोई बात नहीं हुई थी। कोचेस ज्यादा थे, इतनी ज्यादा तनकीद हुई थी और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सर्जरी का बयान दे दिया, ये कह दिया तब्दीली हो जाएगी, कहा कप्तानी हट जाएगा, टीवी शो में जाने लगा, सोशल मीडिया में लगा। तो इस मौके पे देखिए पीसीबी को कुछ ऐसा किरदार, वो शाहिद अफरीदी कहता है कि शाहिद अफरीदी कहते हैं कि इनको जो है ना इसको बाप करोड़ अदा करना चाहिए पीसीबी को, आप अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो आप उससे मिलते मुलाकात करते, ऐसा नहीं हुआ, चले नहीं हुआ। लेकिन देखें बाबर आजम का भी ये भंडी है कि आप इंग्लैंड की सीरीज से पहले जो है आप कह रहे हैं जी टाटा बाय बाय, मैं कप्तानी नहीं करूंगा वनडे की, भाई वनडे की अभी टेस्ट में चल रहे थे, मैं फोकस करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सबको पता है क्या, इनको ये समझ नहीं आती कि वो ये कौन से गियर मोड में, इधर टेस्ट सीरीज में हारे उधर वनडे टूर्नामेंट करा दिया, ठीक है, उसके बाद इधर टेस्ट टीम आ रही है इधर वनडे कप्तान को चेंज कर दिया। मेरे ख्याल इनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं नहीं, बेसिकली मसला ये है कि देखें अभी हर चेयरमैन जो है ना कोई अपनी ही कोई गिद्दड़ सिंह जी लेके आता है कि मैंने अपने 25 से साल करियर में स्पोर्ट्स के मैंने पता नहीं डोमेस्टिक के जो निज़ाम तब्दील होते हुए आखिर 15 से 17 सालों में देखे ना, मैंने वो मैंने उससे पहले नहीं देखा था। पहले फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट इसी तरह का आयोजन ट्रॉफी होता था और कोई कप हो जाता था, ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं होती थी लेकिन ये डोमेस्टिक दिन चलते रहते थे। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंटल लहदा हो गया, रीजनल लहदा हो गया, फिर रीजनल डिपार्टमेंट को एक कर दिया, फिर एक साहब आए उन्होंने बोला भाई क्या हो गया डिपार्टमेंट बंद करो, रीजन ही सब कुछ है, वो रीजन जो है वो 2650 करोड़ की आबादी में छह टीमें बना दी। मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को, हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की उतनी कराची की आबादी, अल्लाह माफ करे। अच्छा फिर इतने भोंडे मजाक करते हैं ये
इन्होंने आखिरी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह को इन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया। टीम से ड्रॉप क्या किया इन्होंने, बोला जनाब वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको आराम दिया, वर्कलोड हाँ आराम दिया जा रहा है, आराम दिया जा रहा है। तो भाई 2 हफ्ते का आराम दे देते उसको, 2 हफ्ते का आराम। अब ये देखे मजाक सुने पीसीबी का, आराम मिला ना आराम किया उसके बाद, चैंपियंस कप शुरू हो गया, मुसलसल खेलते रहे चैंपियंस कप, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल मैच हुआ चैंपियंस कप के फाइनल आने लगे, नॉकआउट मरना शुरू हो गया, तो आपने बोला जनाब ये टेस्टिंग का ऐलान किया है, इनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम देना है, इनको टेस्ट सीरीज खेलनी है तो इनको चैंपियंस कप नहीं खिलाना, इनको ले जाते हैं, ले गए आप, अभी फिर आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, अभी आपकी फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं। तो भाई ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार आप, मुझे अब करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, फॉर्म 47 फॉर्म 45 यही इस्तेमाल करना चाहते हैं सारे, मोहसिन नकवी आए ना यही करने। अच्छा यो छोड़ दबा करो भाई, ये यूसुफ की क्या कहानी है, संडे के दिन एकदम से आ गया इस्तीफा उनका, मैं नहीं भाई यूसुफ ऑस्ट्रेलिया, यूसुफ यूसुफ कह रहा है तुसी अकेले की जान दे बाहर, मैं भी जाना है बाहर, तुसी गोलियां कल्ले कल्ले देख दो मैं भी देखनी है। ओए भाई मसला ये है कि मुझे तो ये लगता है कि सिलेक्शन में उसको कोई चाम हम नजर नहीं आ रहा, अब वो कह रहा है मुझे बैटिंग कोच बना दो, खबरें तो यही है। अब क्या भाई बैटिंग कोच बना दें तुझे, वो मुझे ये इत्तला मिली थी कि 32 अफराद होते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो मुझे बताओ 32 अफराद का क्या काम है यार ड्रेसिंग रूम में, टीम के साथ जो स्पोर्टिंग स्टाफ है एक एक बंदा सबके साथ है भाई, एक कोच होता है, अब तो पता नहीं कितने कितने कोचेज आ गए, ठीक है आपने एक कोच रख लिया सही है, एक फिजियो होता है आपका जो डॉक्टर का काम भी अंजाम देता है, एक मैनेजर होता है, ये 3-4 लोग होते हैं, आपने इतनी बड़ी फौज जमा कर लेते हैं तो आप ड्रेसिंग रूम जो होता मछली बाजार होता ना या फिर वो एग्जैक्टली नहीं तो अब मेरा ख्याल यूसुफ चाहते हैं, यूसुफ चाहते हैं कि वो जो है वो बस किसी तरीके से टीम के साथ मुंसलिक हो जाए, खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन और भाईचारा वाली बात वाली होने, अभी अभी टीवी पे आएंगे, अभी रिजाइन किया है टीवी पे आएंगे, कई तजियाकार बन जाएंगे, जी भर के गालियां देंगे वापस बुला लिए जाएंगे, और जीतते हैं मेरा ख्याल बनना है। हाँ मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी दी हुई है ना मोहसिन नकवी ने, वो दी हुई है कोचिस को ज्यादा, गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी को ज्यादा अथॉरिटी है बाकी सबके मुकाबले में, इसी वजह से उनके फैसले जो है वो हो रहे हैं। टीम की सिलेक्शन पर भी मेरे ख्याल में ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन ने जो है वो इंटरफेरेंस की है कि नहीं इसमें कोई तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब नीचे न्यूज रूम में बैठे होते हैं तो एकदम से खड़ा करके मोहसिन नकवी टीवी पर आते हैं, अब हम ये सोच रहे होते हैं बैठ के कि यार ये किस कैपेसिटी में आए, ये क्रिकेट में बात करेगा या ये तो उस पर वजारत दाखिला के अहदेदार की हैसियत से बात करेगा, पीछे लगा हुआ है इनके पीसीबी का बैनर, पीसीबी का पूरा सेट लगा हुआ है और ये बैठ रहे मैं नहीं छोड़ूंगा और बात कर रहे हैं दहशत गर्दों की, उनको शायद याद नहीं रहता वो कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। नहीं वो बेसिकली चाबी वाला इश्यूज होता है ना, चाबी वाला गुड्डा क्यों था, चाबी वर्दी बेटा बोल, बोल बेटा देख यार बात सुनो, तुम डाला आ जाएगा तुम्हारे लिए है यार, इतना बड़ा डाला है, इतना बड़ा डाला है, डाला नहीं आएगा टैंक मेरे लिए, और बेल बजाएगा शराब बाहर आ जाए हम अंदर नहीं आ पा रहे, यही होगा। आप बोल देना मैं नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, यही करना पड़ेगा, अंदर आओ। अच्छा भाई तो अब मुझे लगता है कि जो बेन स्टोक्स साहब आ रहे हैं वो क्या कह रहा है क्या भाई क्या हो गया यार, ओ भाई नाम है यार बेन स्टोक्स यार, आप तो आपकी सेहत खराब है यार, आपकी सेहत खराब, आप तो नाम गलत दे रहे हो, तुम नाम गलत दे रहे हो, तुम नाम तरीके से लो, बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स नहीं आप देखो अंग्रेजों की तरह बेन स्टोक्स, ओ बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान Ben Stokes is coming to Pakistan to Ben Stokes the Pakistanis. He's yes, going yes. to Ben Stokes you. He's going to Ben Stokes you. Okay? Langla Lula World Cup khela, kuch na kiya. Pakistan ne kaha, aaja beta, aaja. Chance de rahe tujhe. Woh wapas form mein aa jayega. Aajayega, bilkul aajayega. Tension nahi le. Jaise Popeye the Sailor spinach kha ke pom pom nahi aata tha. Oh, my God.
से हम पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये क्रिकेट की दुनिया की स्पिनिच है, हर कोई खा गया उसका टड़ा रड़ा टड़ा बन जाता है फाइटिंग शुरू, फिर वो आके आपके साथ जो करेगा फिर दुनिया देखेगी बेटा। अभी तो सर हम लोग आप बात कर रहे हैं, कल को फिर अंग्रेजी में बैठ के तबसरा कर रहे होंगे कि ओह माय गॉड लिख लेना अखबार की हेडिंग होगी बेन स्टोक्स पाकिस्तान, यही होगा यही होगा भाई। ठीक है चलो बस इंतजार करते हैं सीरीज का क्या होता है। ठीक है ओके भाई चलो जाओ बस।